इंसान की बुनियादी जरूरत है खाद्य, वस्त्र और आश्रय, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा जरूरत होती है खून की, यानी रक्त की। मानव के जीवित होने का महत्वपूर्ण कारण है रक्त। इसीलिए पुराने समय में किसी व्यक्ति को खून की कमी होने पर किसी दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाना आसान कार्य नहीं होता था, और खून के समूह एक समान न होने के कारण इंसान की मौत हो जाती थी। लेकिन कभी कभार यह संयोग हो जाता है कि रक्त चढ़ाने वाला रक्त ग्रहण करने से मेल खा जाता था। ऐसा क्यों होता है, यही सवाल खड़ा हुआ कार्ल लैंगस्टाइनर के दिमाग में। तो चलो सुनते हैं कार्ल लैंगस्टाइनर की ये कहानी। कार्ल लैंगस्टाइनर, इनका जन्म 14 जून 1868 को ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। लैंगस्टाइनर ने अपने करियर के आरंभ में बीमारी और संक्रमण पर शोध करने शुरू किया था, और उनका अधिकांश समय रक्त और उसके विभिन्न घटकों के अध्ययन में गुजर रहा था। क्योंकि पुराने जमाने में समाज में यह धारणा थी कि संसार में दो रक्त समूह है, एक अच्छे व्यक्तियों में और दूसरे बुरे व्यक्तियों में पाया जाता है। लेकिन बीमारियों के कारण किसी भी व्यक्ति को जब खून की कमी महसूस होती थी, तब उस वक्त आज जैसे रक्त चढ़ाने की तकनीक भी उन्नत नहीं थी। इसीलिए इस तरह से रक्त पाने वाले को उससे उतना लाभ नहीं होता था जितना होना चाहिए। ऐसे ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आदान के मामले में रक्त की कोशिकाओं के थक्के बन जाते थे और रक्त बहना बंद हो जाता था। इससे इंसान की कभी कभी मौत भी हो जाती थी या कोई बीमारी लगती। इसका कारण जानने के लिए कार्ल लैंगस्टाइनर ने 1901 में वियना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कुछ लोगों के खून का सैंपल लिया और उस खून के सैंपल से आरबीसी को रक्त से अलग किया। उसके बाद ऐसे ही उन्होंने सैकड़ों खून के सैंपल से उन्हें क्रॉस चेक किया और पाया कि कुछ नमूने खून के थक्कों में बदल जाते हैं और कुछ नमूनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। साल परीक्षण करके क्रॉस टेस्टिंग और रक्त की संरचना का अध्ययन करने के बाद उन्होंने रक्त के समूह पर अपने विचार दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। कार्ल लैंगस्टाइनर यह समझाने में कामयाब रहे कि इंसानी रक्त प्रमुख रूप से कम तीन तरह का होता है, जो रक्त की लाल कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा प्रतिजन यानी एंटीजन के अनुसार भिन्न होता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके लैंगस्टाइनर ने मानव के रक्त को चार समूह में बांटा है, ए, बी, ए बी और ओ। जिस व्यक्ति ने रक्त की लाल कोशिकाओं के सतह पर ए किस्म का एंटीजन होता है, उसका रक्त ए प्रकार का होता है। जिसके रक्त की लाल कोशिकाओं की सतह पर बी किस्म का एंटीजन होता है, उसका रक्त बी प्रकार का होता है। और जिस व्यक्ति के रक्त में दोनों प्रतिजन होते हैं, उस व्यक्ति का रक्त ए बी किस्म का होता है।
और रक्त की लाल कोशिकाओं की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं होता, उसका रक्त ओ ग्रुप का होता है। कार्ल लाइसनर का रक्त के प्रकारों की खोज यह एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन उस दौर के वैज्ञानिक समुदाय इस खोज को स्वीकारने और उसका प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। पर वर्ष 1907 में लाइसनर की खोज को सार्वजनिक किए जाने के 4 साल बाद न्यूयॉर्क के सेनाई अस्पताल में डॉक्टर ड्यूब्रिन ऑटनबर्ग ने पहले आधुनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पूरा किया और 1915 तक कार्ल लाइसनर के सिद्धांत को विश्व स्वीकृति प्राप्त हुई। यह प्रक्रिया अब भी अधूरी थी। लाइसनर अब भी इंसान के रक्त के अध्ययन और उसका जायजा लेने में जुटे थे। लाइसनर ने देखा कि बहुत थोड़े मामलों में ही इसका असर हो रहा है, लेकिन उनके सहशोधकर्ता डॉक्टर अलेक्जेंडर वाइनर एक कामयाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के और एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व से परिचित हुए और वो है RH फैक्टर, क्योंकि यह रक्त की लाल कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित होता है। लगभग 85% मानव जनसंख्या की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर RH फैक्टर होता है और इसे RH पॉजिटिव कहा जाता है। बाकी लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं में RH फैक्टर नहीं होता और उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। इस RH फैक्टर को RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का सबसे ज्यादा रोग प्रतिकारक का अर्थ देने वाला प्रतिजन कहा जाता है। लाइसनर और उनके सहशोधकर्ता अलेक्जेंडर वाइनर ने अंदाजा लगाया कि अगर RH नेगेटिव वाले लोग RH पॉजिटिव रक्त का एक से ज्यादा ट्रांसफ्यूजन पाते हैं तो उनके रक्त में एंटी फैक्टर विकसित हो जाते हैं। इसीलिए ये साबित हो गया कि एक कामयाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि रक्त की किस्म के साथ साथ रक्त का RH फैक्टर भी मेल खा लेता है। सारी अध्ययन के इस प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, 1902 में उन्होंने वियना इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में लेक्चर दिया कि इस तकनीक के द्वारा हम अपराधों को भी हद तक हल कर सकते हैं। जहां अपराध हुआ है वहां से खून के सूखे हुए धब्बे लाकर इस प्रक्रिया के द्वारा खून का ग्रुप भी बता सकते हैं, नवजात बच्चों की बीमारियां भी समझ सकते हैं। Thank you.
ब्लाइंड स्टाइनर ब्लड समूह और आरएच फैक्ट्री के बारे में अपनी खोजों को और भी मजबूत बना रहे थे। इसी कार्यक्षेत्र के लिए उन्हें 1930 में शरीर विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से हृदय, फेफड़ों और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों की सर्जरी पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कमी के कारण नहीं हो पाती थी, लेकिन अब ये काम आसान हो गया है। ब्लड ग्रुप से होने वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण बहुत सी जिंदगियां बचने लगी है। इस महान व्यक्ति का 26 जून 1943 को दिल का गंभीर दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हुई। उनका अंत भी ऐसे जगह हुआ जहां पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, और वो थी उनकी लैब। आज भी कार्ल लाइनस्टाइनर हमारे में नहीं है, किंतु उनकी इस महत्वपूर्ण खोज की वजह से काफी जिंदगियां बच गई है और आगे भी बचती रहेगी।